सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। धनु राशि वाले जातक, हमला होने वाला है। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे आज का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि हर रोज हर समय कोई ना कोई ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं जिसका असर हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है। दोस्तों कभी कभी ग्रह नक्षत्र हमारे लिए शुभ संकेत लेकर आते हैं तो कभी कभी यह हमारे लिए घातक भी सिद्ध होते हैं, यानी कि नुकसान करा के जाते हैं। किसी जातक के लिए आज का दिन बढ़िया बीतता है तो किसी किसी का ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में, ग्रह नक्षत्रों की चाल की वजह से दिन खराब होता है। दोस्तों कभी कभी होता है कि आप परिश्रम तो करते हैं परंतु आपको फल नहीं मिलता, इसके पीछे भी ग्रह नक्षत्रों का ही खेल होता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति नहीं बनाते, वो लाभ की स्थिति नहीं बनाते हैं जिसके कारण आपको लाभ नहीं होती, और कभी कभी थोड़ी सी ही परिश्रम से अधिक लाभ हो जाता है, आय से ज़्यादा मतलब मेहनत से ज़्यादा आप कमा लेते हैं, इसमें भी ग्रह नक्षत्रों का हाथ है। तो दोस्तों ग्रह नक्षत्रों का क्या हाथ है आज के जीवन में, क्या परिवर्तन लेके आएगा आपके जीवन में, यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जानते हैं आज का जो दिन है वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, पंचांग के बारे में बात करते हैं। पंचांग के दृष्टिकोण से जो दिन है, दिनांक 19 फरवरी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, नक्षत्र कृतिका है और आज योग इंद्र योग बन रहा है, दिन शुक्रवार रहने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिन के बारे में अब बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो दिन है, सूर्यदेव की उपासना करिए। अगर सूर्यदेव की उपासना अगर आप करते हैं तो शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे सूर्यदेव। माता संतुष्टि की भी पूजा करिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन निराशावादी रवैये से बचिए, क्योंकि ना सिर्फ यह आपकी संभावनाओं को ख़त्म कर देगा बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगाड़ देगा। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, इससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। अपनी उपयोगिता की ताकत को रचनात्मकता और सकारात्मक सोच के जरिए, बातचीत के जरिए विकसित करने का प्रयास करिए आज, ताकि आपके परिवार के लोगों को लाभ मिल सके। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रह सकते हैं इस राशि के जातक। आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं, ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा, अपनापन बढ़ेगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों बागवानी करना आपके लिए आज सुकून भरा रह सकता है, इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों शरीर के किसी अंग में दर्द होने से आप परेशान रह सकते हैं, आप आज किसी भी ऐसे काम से बचिए जिसमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की आवश्यकता हो। पर्याप्त आराम दीजिए अपने शरीर को। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालने का प्रयास करें। आज के दिन किसी के भी साथ छेड़छाड़ी मतलब यानी कि छेड़छाड़ी छेड़खानी करने से बचिए। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध हो सकती है आज। जीवनसाथी के रिश्तों का दखल जो है, रिश्तों में जीवनसाथी का वैवाहिक जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। दोस्तों अपनी नकारात्मक भावनाओं को वितरियों पर लगाकर रखिए, लगाम लगाइए। अपने निगेटिव थिंकिंग जो है, आपकी नकारात्मक सोच है, इसको लगाम लगाइए। आपकी रूढ़ीवादी सोच आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है और आपकी राह में आगे कई बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। आज सफलता का मंत्र यही है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाइए जो मौलिक सोच रखते हों और अनुभवी भी हों। दोस्तों अपने परिवार को पर्याप्त समय दीजिए, उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताइए और शिकायत करने का मौका मत दीजिए। दोस्तों किसी से अचानक हुई मुलाकात आपका दिन बना सकती है,
राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आदत जो है सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की आवश्यकता है जो आपसे उधार तो मांगते हैं फिर लौटाते नहीं हैं। आपको अपने रोज़मर्रा के कामों से छुट्टी लेकर आज दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफों और फूलों से भरपूर रहेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय बेकार हो जाएगा। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर कोई बड़ी चीज होने वाली है जो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए उल्लास लेकर आएगी, खुशी के पल लेकर आएगी। आज आप अपने दोस्त की महक उसकी अनुपस्थिति में महसूस करेंगे। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको आज धूप नसीब हो सकती है। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, अचानक लाभ या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात थोड़े से सुधर सकते हैं, जैसे कि बोला गया। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल करके उन्हें समझाइए, अनचाहे तनाव से बचिए। याद रखिए कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुले दिल से बात अपनी बात आगे रखेंगे तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में तब्दील हो सकती है, बदल सकती है, आ सकती है। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने की सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाइए नहीं। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी ना होने दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की में भी रोड़ा अटकाएगा। आपका आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहिए और परेशानियों का सामना होठों पर मुस्कान के साथ करिए। दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक तौर पर फायदा हो सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रचनात्मक रोमांचक काम करने के लिए बढ़िया समय है। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़ी की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपका जीवन प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकने वाला है। अवांछित यात्राएं थकाऊ साबित होंगी और बेचैनी का कारण बन सकती है। मांसपेशियों को आराम देने के लिए शरीर को तेल से मालिश करवाइए। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल सकते हैं। आपके दिन की योजनाएं सावधानी से तय करिए। ऐसे लोगों से बात करिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। आज हो सकता है कि आप पहली बार नज़र में ही कोई आपको पसंद कर ले। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय खराब हो सकता है। यह दिन शादीशुदा जीवन के सबसे खास दिनों में से एक हो सकता है। दोस्तों, दोस्तों के साथ शाम अच्छी रहेगी, लेकिन ज़्यादा खाना खाने से बचिए, क्योंकि यह आपकी अगली सुबह खराब कर सकता है। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताड़ बनाकर पेश करेंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले तथ्यों को भली भांति जाँच पड़ताल अवश्य कर लें। आज रोमांचक दिन है, क्योंकि आपके प्रिय का फोन आने वाला है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिसकी वजह से आज आप खुशी महसूस करने वाले हैं। जल्द ही बीमारी से उबरने की संभावना है। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो बीमारी से जल्द ही उबर सकते हैं। आपके पास आज पैसे की पर्याप्त मात्रा में होगी और इसके साथ ही मन में संतोष भी होगी, शांति होगी। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कराएंगे। आज आप अपने दोस्तों की महक उनकी अनुपस्थिति में महसूस करेंगे। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव जरूर रखी जाएगी। वैवाहिक जीवन के लिए आज अच्छा दिन है। पूरा दिन बैठकर उबने की बजाय ब्लॉगिंग करें या कोई रोचक किताब पढ़ सकते हैं। सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए अपने खाली समय का सदुपयोग करिए। प्यार का भरपूर आनंद मिल सकता है। आज पूरे दिन आप खाली समय में रह सकते हैं, टीवी पर कोई फिल्म देख सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफ़ी कोशिश करता नजर आएगा। अगर आपकी आवाज़ सुरीली है तो कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को आज खुश कर सकते हैं।
आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। यह बात भली भांति मान ले, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। सामाजिक गतिविधियां मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने रहस्य किसी के सामने उजागर मत करिए। अपनी ऊर्जा का स्तर जो है ऊंचा रखिए, क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित हो सकता है। दूसरों की राय को गौर से सुनिए। अगर आज आप वाकई फायदा चाहते हैं तो दिन भर लोगों के साथ बिताने के बाद शाम का पूरा वक्त आप अपने जीवन साथी को दीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का आपका राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हमारे YouTube चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। आज का दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।